दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रतिष्ठान पर जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ होता है उसका बिल बनाने के लिए व्यक्ति कभी कभार नहीं आता है, यानी जो कि हमारे क्षेत्र का लाइनमैन होता है या हमारे पास एक प्राइवेट कंपनियों से कुछ लोग अपॉइंट किए गए होते हैं जिनके लिए बिल का जनरेट करने का काम सौंपा गया होता है। परंतु बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि हमारे प्रतिष्ठान पर या हमारे घर पर या हमारी दुकान पर वो लोग बिल बनाने नहीं आते। हम कई बार उनके चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि साहब हमारा बिल ये है। यदि वो आते भी हैं तो बिल अपने मनमाने ढंग से बना देते हैं कि साहब आपकी इतनी रीडिंग हो गई, अब आप तो इतना बिल देना पड़ेगा, या हमें आप कुछ पैसे दीजिए, हम आपका साठ गांठ करके इतना रुपये बिल बना देंगे, इतना सही करवा देंगे। ये सब कुछ सब बातें आपके सामने फेस होती हैं। मैं खुद कहूँ तो मेरी खुद की शॉप पर मैंने देखा है बहुत बार कि ऐसा हुआ है। तो इसलिए आज मैं इस बात का सलूशन लेकर आया हूँ कि कैसे करके आप अपने घर बैठे ही खुद का बिजली का बिल अपने आप ही स्वयं जनरेट कर सकते हैं और खुद ही ऑनलाइन इसका भुगतान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है, आपको सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने घर बैठे ही अपनी बिजली का बिल अपने आप स्वयं ही जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो आपका कॉमर्शियल कनेक्शन हो, चाहे वो आपका घरेलू कनेक्शन हो, चाहे आपका ट्यूबवेल कनेक्शन हो, चाहे आपका किसी और फैक्ट्री या कोई भी कॉमर्शियल कनेक्शन, भारी कनेक्शन हो आपका, इस तरह से आप किसी भी कनेक्शन का बिजली का बिल आप किसी भी रीजन का अपने अपने लैपटॉप या मोबाइल से स्वयं ही खुद बना सकते हैं, उसकी रीडिंग डालकर उसको सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बिजली का बिल जमा करने के लिए किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसके लिए आप अपनी वेब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप UPPCL एम पावर जैसे ही लिखते हैं। ये आपका कोई रीजन अलग है, मान लो मध्यांचल विद्युत वितरण खंड है, किसी का छत्तीसगढ़ है, किसी का दक्षिणांचल है, तो आप अपने अपने अनुसार अपने ज़िले की या अपने रीजन की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। बल्कि होम स्क्रीन पर जब आप आएंगे तो आप वहाँ पर अपने रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आपके सामने ये खुल जाती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नए कस्टमर्स के लिए या पुराने कस्टमर्स के लिए बढ़ा रखी है। जैसे आप OTS में बिल जमा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पुराना लंबित बिल है और आप उसे जमा नहीं कर पाए, तो वन टाइम सेटलमेंट आप OTS बिल भुगतान कर सकते हैं, नया कनेक्शन इस साइट से डायरेक्ट अपने आप ही ले सकते हैं, ATS प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं। अब आजकल प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर आने लगे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका स्वामित्व परिवर्तन हेतु आवेदन है, मान लो आपने कोई मकान लिया है और उसमें आपने पहले से कनेक्शन लगा हुआ था, अब आप उस कनेक्शन को अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो इस तरह से लंबित बकाया ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए आप सीधे सीधे UPPCL को आप helpdeskoutlook.com पे मेल कर सकते हैं, या 1912 इस नंबर पर किसी भी फ़ोन से आप सीधे सीधे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हमारा मेन मकसद है आज कि हम कैसे करके अपने खुद ही बिल को जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्वयं बिल बनाने के लिए सहायक निर्देश। यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए आप क्या क्या आपको चाहिए होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए उपभोक्ता लॉगिन, पहला ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे उपभोक्ता लॉगिन। तो यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ कंज्यूमर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन इस तरह से आ जाता है। क्लिक रजिस्टर नाउ टू क्रिएट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस द सिक्योर एप्लीकेशन। यहाँ रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बिल जो है आपका उस पर एक अकाउंट नंबर पड़ा हुआ होता है, ये आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। ये आपके पास ऑलरेडी पहले से ही होगा जिससे आप बिल जमा करते हैं। इस यहाँ पर एक कनेक्शन के साथ साथ आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग सीरीज में शुरू होता है, जैसे 7613 करके इस टाइप से, या 7317 करके। ये आपके बिल के ऊपर लिखा भी होगा खाता संख्या या अकाउंट नंबर। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल लीजिए। यदि आपके पास सर्विस कनेक्शन नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर अकाउंट नंबर से ही आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन पर आ जाइए, पासवर्ड आप अपनी चॉइस का कोई भी सिक्योर पासवर्ड बना लीजिए जिसको आपको याद रखने में आसानी रहे। यहाँ एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए आप, ताकि आप के पासवर्ड को कोई हैक ना कर सके। यहाँ पर आप कंज्यूमर का फुल नेम, जो भी जिस नाम से आपका बिल है, यहाँ पर वो आपको नाम डालना पड़ेगा। इसको कैपिटल लेटर्स में भरिए तो बेहतर रहेगा।
यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालना है, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर अब कोई भी नंबर नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पर आप अपना मौजूदा जो भी नंबर चला रहे हैं आप उसको डालकर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। OTP के वैलिडेट होते ही यूजर हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली ऑप्शन यहाँ पर लिखकर हमारे सामने आ जाता है। अब हम पुनः लॉग इन रजिस्टर ऑप्शन पर आते हैं और फिर से अपना अकाउंट नंबर जो कि आपके बिल नंबर को ही हम पासवर्ड जो आपने अपनी चॉइस का बनाया हुआ है उसको डालकर इसको लॉग इन कर लेते हैं। मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। अब आप लॉग इन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने हमारी डिटेल सारी ओपन हो जाती है। कितना मेरा बिल है इस समय, यहाँ पर माई अकाउंट्स, अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, अपडेट पैन, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे आप माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपको अकाउंट्स की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल, आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको स्वयं का बिल बनाना है तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पर यहाँ ब्लू कलर पर आप इस पर टिक कर दीजिए। जैसे ही आप टिक करते हैं आपके सामने एक प्रॉम्प्ट खोलकर आ जाता है और डैशबोर्ड कुछ इस तरह से हमारे सामने बनकर आता है। यहाँ पर अकाउंट इन्फो, कंज्यूप्शन हिस्ट्री, आपने कितना कितना लोड लिया है, कितनी कितनी यूनिट बिजली जलाई है, बिल हिस्ट्री, आपको यहाँ पर बिल की हिस्ट्री, लास्ट पेमेंट आपने कब किया था, कितने रुपए का किया था, सेल्फ बिल जनरेशन, यहाँ पर आप अपना सेल्फ बिल भी बना सकते हैं, इंस्टॉलमेंट स्कीम, यदि कोई इस समय गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है कि आप आपको बिल जो है इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, पेमेंट हिस्ट्री, लास्ट पेमेंट की जो बिलिंग हिस्ट्री है वो आप दे सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर, आप यहां से कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट, किसी भी लोड को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, या कोई भी कनेक्शन में चेंजेस करने के लिए आप सर्विस कोई भी ऐड या डिक्रीज करने के लिए यहां पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बिल को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लिक हियर टू जनरेट OTS नोटिस, यहाँ पर नोटिस वगैरह को भी आप जनरेट कर सकते हैं। अपडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल, यहाँ पर आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमेशा, जिस पर आपको बिल की डिटेल मिलती रहे। रिक्वेस्ट स्टेटस, जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, पे योर बिल ऑनलाइन, यहाँ से ही आप बिल भी जमा कर सकते हैं। मोर, आपको और सारे फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्वयं बिल बनाना है तो सेल्फ बिल जनरेशन पर आप क्लिक कीजिए। ऑलरेडी बिल जनरेटेड फॉर दिस मंथ, क्योंकि इस महीने मेरा बिल बन चुका है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जब यहाँ पर सेल्फ बिल जनरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप अपनी मीटर की रीडिंग को देखकर मीटर की रीडिंग को फिल कर दीजिए। इस प्रोसेस को मैं आगे किसी वीडियो में आपके लिए दिखा दूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना बिल स्वयं घर बैठे ही बना सकते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही दूंगा। आप यहां तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।